विनोद कामली जी का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो जो कि बताया जा रहा है कि उसमें विनोद कामली जी ही हैं, समय सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। हालांकि मैं इस बात को जस्टिफाई तो नहीं कर सकता कि उस वीडियो में कामली जी ही हैं, क्योंकि आज की तारीख में वीडियोस को लेकर आप कुछ बोल नहीं सकते। एआई के कारण इतने मॉफ वीडियोस आ जाते हैं, या हो सकता है कोई लुक अलाइक भी हो। बट सोशल मीडिया पर जो लोग बोल रहे हैं कि यार इस वीडियो में विनोद कामली ही दिखाई दे रहे हैं, एंड इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है उससे ठीक से खड़े भी नहीं होते बन रहा है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो किसी इन्फ्लुएंस के अंदर, मतलब किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस के अंदर में खड़ा नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जिस कारण से वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस वीडियो को देखकर लोग काफ़ी परेशान हो गए कामली को लेकर, क्योंकि कामली एक समय के सेलिब्रेटेड क्रिकेटर रहे हैं। काफ़ी इंडिया की तरफ से उन्होंने खेला, 100 से भी ज़्यादा वनडे उन्होंने इंडिया के लिए खेले, और एक समय पर सचिन के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी वही माने जाते थे। और हैरानी की सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन और कामली दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं, और इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद में लोग सचिन तेंदुलकर से मदद की गुहार भी लगाने लगे। दरअसल पिछले कुछ समय से कामली को लेकर खबरें इस तरह की आ ही रही हैं कि उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। एंड अगर हम लोग पिछले एक दशक की बात करें तो ना सिर्फ उनको एक कार्डियक अरेस्ट आया है बल्कि उनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी कामली के साथ में काफ़ी सारे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम के कारण ही उनको टीम इंडिया से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया था। और अब जबकि ये वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग सोशल मीडिया पर लगातार सचिन तेंदुलकर से अपील कर रहे हैं कि आप सामने आइए और विनोद कामली की मदद करिए जैसे भी बन सकता है। कुछ लोगों ने ट्वीट करके भी इस बारे में सचिन तेंदुलकर से बात करने की कोशिश करी कि भैया आप इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे, या आपका क्या कुछ स्टैंड है। जैसे कि यहाँ पर निहारी कोरमा ने लिखा है कि मास्टर ब्लास्टर प्लीज हेल्प, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट के ट्वीट के ऊपर कि विनोद कामली अर्जेंटली नीड्स असिस्टेंस, आई सिंसियरली होप समवन फ्रॉम इंडियन क्रिकेट स्टेप्स फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, इट्स हार्ट ब्रेकिंग टू सी हिम इन दिस कंडीशन। इसके बाद विनोद ने लिखा है कि रियली फील सॉरी फॉर आर विनोद कामली, सचिन नीड हेल्प हियर। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सो वेरी सैड टू सी हाउ एल्कोहल हैज ब्रॉट इन द डाउनफॉल ऑफ सच अ स्टालवर्ट ऑफ वन टाइम विनोद कामली, सचिन प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। सचिन तेंदुलकर ने आज ग्रहण थॉर्पे को लेकर एक ट्वीट किया था, उसको लेकर डिस्काउंट अड्डा ने लिखा कि योर फ्रेंड विनोद कामली इज वेरी इल, फॉरगॉट ऑल द इश्यूज एंड हेल्प हिम, नो ऑप्शन ओनली सेंडिंग ऑबिचरीज। उन्हीं के ट्वीट के ऊपर एक और ट्वीट आया है कि प्लीज चेक ऑन कामली, वेरी सून यू विल बी ट्वीटिंग फॉर हिम एज वेल। इसके आगे जीएम प्रभु ने लिखा है कि सैड लुक एट विनोद कामलीज कंडीशन, ही वॉज वंस अमंग द बेस्ट बैटर्स फील्डर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, बैड लक लाइफस्टाइल इज द अपेरेंट कॉज ऑफ हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ, हिज पाल भारत रत्न सचिन तेंदुलकर एंड बीसीसीआई शुड हेल्प हिम इन हिज बेस्ट पॉसिबल रिहेबिलिटेशन एज सून एज पॉसिबल। तो लोग जो है ऑब्वियसली बात है विनोद कामली को भूले नहीं है अभी तक, एंड सचिन तेंदुलकर का नाम हमेशा ही विनोद कामली के साथ जुड़ता रहा है क्योंकि दोनों ने ही बचपन से ही साथ में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, शोहरत भी दोनों ने साथ में ही कमानी शुरू करी। लेकिन वो होता है कि कभी कभी कुछ दोस्तों की जोड़ियां होती हैं जिनमें से कि एक दोस्त तो आगे निकल जाता है पर दूसरा पीछे कहीं छूट जाता है, ये कहानी भी कुछ ऐसी है। अगर हम लोग थोड़े से स्टैट्स की बात करें तो इन दोनों की जो एज थी, सचिन 10 साल के थे और कामली 12 साल के थे जब इन्होंने साथ में क्रिकेट खेलना शुरू किया। दोनों ही रमाकांत आचरेकर जी के अंडर में क्रिकेट खेला करते थे, दोनों ही इनके कोच थे। सचिन ने जहां पर 1989 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया था, तो वहीं कामली ने 1991 में टीम इंडिया के लिए ओडीआई खेला था शारजा में। ओवरऑल बात करें तो कामली ने टीम इंडिया को 104 ओडीआई मैचेस में 1991 से लेकर 2000 के बीच में रिप्रेजेंट किया है। इस दौरान उन्होंने करीब 2477 रन बनाए 32 के एवरेज से, इसमें 1450 और 2 सेंचुरीज भी शामिल थी। इसके अलावा कामली ने 17 टेस्ट मैचेस भी खेले जिसमें उन्होंने करीब 1084 रन बनाए 54 के एवरेज से, और इसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात यह रही कि 17 टेस्ट मैचेस में 4 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी। काफी गजब के खिलाड़ी थे जब एक समय पर लग रहा था कि ये दुनिया में तहलका मचा देंगे। इसके अलावा उन्होंने जो अपना लास्ट टेस्ट मैच था वो 95 में खेला था, 24 साल के होने के पहले ही, और ओडीआई खेलने के लिए उनको अक्टूबर 2000 के बाद में कभी बुलाया नहीं गया। और इसी को देखते हुए 2009 में कामली ने इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर दी, एंड 2011 में उन्होंने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सचिन की, तो सचिन ने 200 टेस्ट मैचेस खेले थे और 463 ओडीआईस खेले थे जिसमें उन्होंने इन टोटल 34,000 से भी ज्यादा रन बनाए थे।
सेंचुरीज की बात करें तो उन्होंने सेंचुरी पूरी करी थी, 100 शतक मारे थे और 164 हाफ सेंचुरीज मारी थी और वो 2013 में रिटायर हुए थे। तो कामली की इस हालत को देखकर ऑब्वियस सी बात है लोग काफी परेशान हैं, लोग सीधे तौर पर सचिन को बोल रहे हैं कि यार हो सके तो कम से कम उन्हें दोस्त की मदद कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस सिनेरियो के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।